पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की समस्त जनपदों की टीम, युवा कमेटी, महिला मंच, किसान मोर्चा और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ तथा उत्तर प्रदेश के समस्त पदाधिकारी अमरोहा स्थित मन्नत पैलेस में इकट्ठा हुए और सैकड़ों की तादाद में सुहेल देव समाज पार्टी द्वारा 4 सूत्रीय ज्ञापन जनपद अमरोहा के जिलाधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि भाजपा सरकार ने किसानों को निशाना बना रखा है। इतना ही नहीं, किसानों के बिजली कनेक्शन पर 18% GST लगाया है। हम मांग करते हैं कि इसको तुरंत हटाया जाए। जनपद अमरोहा में बड़ी संख्या में कॉटन वेस्ट कारखाने हैं, जिनके द्वारा केमिकल युक्त जहरीला पानी निकलता है, उन्हें भी तत्काल बंद कराया जाए। पिछली जाति के 27% आरक्षण को विभाजित किया जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी बलराज सिंह प्रजापति ने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों के गन्ने का भुगतान करे, क्योंकि किसान हमारे देश का अन्नदाता है और भाजपा सरकार ने ही किसानों को बिजली कनेक्शन पर GST लगा कर दी है। सुहेल देव पार्टी से हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती है तो सुहेल देव पार्टी सड़कों पर उतरेगी और पूरे प्रदेश में चक्का जाम करेगी। इस मौके पर मुरादाबाद, भोजपुर, पीपलसाना के सुहेल देव पार्टी के जिलाध्यक्ष नाजिम पाशा ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अमरोहा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने में मदद की और मुरादाबाद, भोजपुर जिलाध्यक्ष नाजिम पाशा ने बताया कि हम मुरादाबाद से अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अमरोहा आए हैं। किसानों पर GST के संबंध में आज एक ज्ञापन जनपद अमरोहा जिलाधिकारी को दिया गया है। हमारी मुरादाबाद की जिला कार्यकारिणी पूरी आई थी यहाँ पर अमरोहा जनपद में। हमारे प्रभारी बलराज सिंह प्रजापति जी ने बुलाया था और यहाँ के जो जिलाधिकारी महोदय हैं उन्हें गन्ने के भुगतान को लेकर एक ज्ञापन दिया है और जो किसानों पर GST लगाई है, बिजली बिल पर लगाई है, उसके लिए जो है ज्ञापन दिया गया। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, गन्ने के किसानों का अविलंब भुगतान किया जाए और इस देश का जो अन्नदाता है, जो देश पूरे देश को पालता है, पेट भरता है, उस पर GST लगा रही है सरकार। उस GST को लागू नहीं होने देंगे। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी उसका डटकर मुकाबला करेगी, सड़कों पर उतरेगी, विरोध करेगी, चक्के जाम करेगी, दिल्ली की सप्लाई को, दूध की, सब्जी की, सबको ठप कर देंगे अगर इसको एक हफ्ते में वापस ही नहीं लिया। किसानों जो किसानों पर GST लागू की गई है, बिजली के बिल पर, इसको जब तक GST नहीं लगाते हटाते हैं तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी कहीं भी हद तक संघर्ष कर जा सकती है और पूरा डटकर मुकाबला करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी ने सुधार नहीं किया OBC का, OBC को हिस्सेदारी नहीं दी, तो 14 साल में बनवास करा है, 28 साल पीछे OBC समाज, जिस तरह 4 सीटों को हरा कर OBC समाज ने भारतीय जनता पार्टी को मुक्की खिलाई है, हम और उत्तर प्रदेश में 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को लाकर रख देंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज।